लेट्स टॉक अबाउट मास्टरबेशन। अरे अरे कान तो खड़े हो गए आपके। मास्टरबेट करना गलत नहीं है, पर अगर आपको उसका एडिक्शन है तो वो भी सही नहीं है। अगर आपको मास्टरबेशन का एडिक्शन हो गया है, दिस इज व्हाट यू शुड डू। नंबर वन, से नो टू पोर्नोग्राफी। अगर आप पॉर्न देखने वाले हो तो आप मास्टरबेट तो करने ही वाले हो। वो डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आपको प्लेजर मिले। तो अगर आपका यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, आपको एडिक्शन है, तो पॉर्न इमेजेस, न्यूड पिक्चर्स से दूर रहो। नंबर टू, डू समथिंग न्यू। पिक अ हॉबी। वो चीजें कीजिए जो आप हमेशा से करना चाहते थे। लिसन टू म्यूजिक, रीड, ट्रैवल। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा और ये जो अनकंट्रोलेबल अर्जेस है ना मास्टरबेट करने के, उससे आपका ध्यान हटेगा। नंबर थ्री, सोशलाइज अ लॉट। अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप अकेले रहने वाले हो, आप सोचने वाले हो कि चलो पॉर्न देख लेता हूँ। पॉर्न देख लोगे तो मास्टरबेट करोगे, पॉर्न नहीं भी देखोगे तो ये अर्जेस आएंगे आप में कि चलो अभी कुछ भी नहीं है करने को, तो लेट्स मास्टरबेट। सो गो आउट, मीट योर फ्रेंड्स। वो भी नहीं हो रहा है तो अकेले बाहर जाइए, इट्स नॉट अ बिग डील। नंबर फोर, एक्सरसाइज। वर्किंग आउट इज सो इम्पोर्टेंट, पर लोग इसे वैल्यू करते नहीं है। रेगुलर वर्कआउट कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है और एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए यू शुड बी स्ट्रांग फ्रॉम हियर माई फ्रेंड। बिल्कुल बेसिक चीजें भी करोगे ना तब भी चलेगा। गो स्विमिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, रनिंग, ये सब आपके स्ट्रेस लेवल को तो बीट करेगा ही करेगा, पर आपके दिमाग को भी शांत रखेगा। नंबर फाइव, कंसल्ट डॉक्टर। बहुत बार हम कुछ चीजों से अकेले फाइट नहीं कर पाते हैं, तो इट्स ओके टू टेक हेल्प। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ सेक्स थेरेपिस्ट। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकता है, OCD। सुना होगा ना। अब ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज़।